नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर में बीते दिन अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर शामिल करने पर पुलिस ने सपा के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी सहित दर्जन भर कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये मुकदमा TSI द्वारा दी गई तहरीर के बाद ट्रैफिक अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में थाना सिविल लाइन में दर्ज कराया गया। वही TSI द्वारा लिखित शिकायत में कहा गया है कि रोड शो की अनुमति महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी द्वारा ली गई थी, लेकिन उसके विपरीत रोड शो में बुलडोजर शामिल किया गया, जिस पर दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे और कुछ लोग बुलडोजर की कैची में बैठे थे, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल TSI द्वारा पुलिस को दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी सहित एक दर्जन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलीगढ़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल रोड शो था अखिलेश यादव का, इस दौरान बुलडोजर को शामिल किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक नियम उल्लंघन के तौर पर महानगर अध्यक्ष सहित दर्जन भर लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना सिविल लाइन के जमालपुर क्षेत्र में एक रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें एक JCB नुमा ट्रैक्टर प्रयुक्त हुआ था, जिसमें लोगों को ट्रैक्टर में खतरनाक तरीके से ऊपर बैठाया गया था, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ी थी तथा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। वहीं गुजरात के वेरावल के सबनी गांव में लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। सबनी गांव में पिछले कई दिनों से सबनी और उसके आसपास के गांव में तेंदुए ने अपना कहर बरपाया है। वन विभाग को सूचित करते हुए वन विभाग ने तलाला के पूर्व विधायक गोविंद भाई परमार के खेत में तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रखा था। जैसे शिकार करने आए कि तुरंत ही तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुओं को पिंजरे में कैद कर लिया गया। पिंजरे में कैद के तेंदुओं को अमरापुर एनिमल केयर सेंटर में ले जाया गया है। यूपी के संत कबीरनगर जिले में निकाय चुनाव को लेकर आखिरी दिन प्रचार प्रसार में सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीकों से शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा ने जूनियर हाई स्कूल से लेकर बरदहिया बाजार तक पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए जीत का दावा किया है। रैली में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के साथ सांसद प्रवीण निषाद और व्यापारी नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्याम सुंदर वर्मा को जिताने का दावा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कल चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और संत कबीर नगर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर जिले में निकाय चुनाव को लेकर आखिरी दिन जो प्रचार प्रसार किया गया था, उसमें सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीकों से शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा ने भी जूनियर हाई स्कूल से लेकर बरदहिया बाजार तक पैदल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है और जीत का दावा किया है। इस दौरान तमाम लोग सड़कों पर मौजूद नजर आए। सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्याम सुंदर वर्मा को जिताने का दावा भी किया गया है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। आज सायं 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होने का वो था। आज हमारी पार्टी ने, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों ने ये तय किया था कि आज हम लोग नगर के मेन बाजार का पैदल भ्रमण करेंगे। और अब खबर गाजीपुर से, जहां जिले में PWD अफसरों का बड़ा खेल सामने आया है। PWD विभाग के अभियंताओं ने बगैर सड़क निर्माण के 1.5 करोड़ रुपए ठेकेदार फर्म को एडवांस पेमेंट कर दिया। मामला गाजीपुर के दिलदार नगर देवल संपर्क मार्ग का है। PWD ने सड़क निर्माण के लिए 31 मार्च को 1.5 करोड़ का बजट जारी किया था। इतना ही नहीं, PWD ने उसी दिन काम, निरीक्षण और भुगतान भी कर दिया। विभाग ने बगैर सड़क बने ही ठेकेदार फर्म को 1.5 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर डाला है, जिसकी शिकायत
जमानिया की पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने डीएम से की है। डीएम ने मामले की जांच कराई तो पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का खेल सामने आ गया। जांच में शिकायत सही पाई गई। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बताया जा रहा है कि बगैर काम कराए एडवांस पेमेंट पर शासन सख्त है और जल्द ही जिम्मेदार चार अभियंताओं पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी गाजीपुर के CD1 के अधिशासी अभियंता पतंजलि श्रीवास्तव, सहायक अभियंता अनिकेत गुप्ता, जय अमित यादव, शहनवाज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये पूर्व विधायिका जमानिया महोदय द्वारा शिकायत की गई थी कि दरबार नगर बेरो मार्ग रिमूवल में सड़क का काम लिया गया था पीडब्ल्यूडी CD1 द्वारा और इसमें भुगतान 31 मार्च होने के नाते भुगतान लगभग 1,30,00,000 का भुगतान कर दिया गया और कार्य शुरू नहीं हुआ गया। तो ये एडवांस पेमेंट का केस था, इसकी जांच कराई गई, तत्समय जब जांच कराई गई तो तब तक कार्य शुरू नहीं हुआ पाया गया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय 2023 के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कानपुर में एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने अपने काफिलों के साथ रोड शो और जनसंपर्क किया। जैसे ही उनका काफिला फूलबाग LIS चौराहे पर पहुंचा तो सैकड़ों से भी ज्यादा सिपाहियों ने उनका जमकर स्वागत किया। किसी ने माला पहनाई तो किसी ने उनको उन्हीं की प्रतिमा भेंट की। छोटे छोटे बच्चों ने भी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि कानपुर में नगर निकाय चुनाव इस बार बेहद टक्कर पर है। अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी पार्टियां दमखम दिखाते हुए लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रही है। इसी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर में रोड शो किया। उनके इस काफिले में लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां और कई बाइकें भी शामिल थी। अखिलेश यादव का काफिला फूलबाग से बिरहाना रोड, नयागंज, केनाल रोड, घंटाघर, संगीत टॉकीज, पी रोड, नाला रोड, डिप्टी पड़ाव होते हुए घंटाघर में खत्म हुआ है। जहां जहां से अखिलेश यादव का रथ गुजरा वहां वहां उनका फूल बरसाकर सम्मान किया गया। अखिलेश यादव ने अपने रथ में सवार होकर हाथ जोड़कर महापौर प्रत्याशी वंदना बाजपेयी को वोट देने की अपील की। इस दौरान विधायक अमिताभ बाजपेयी के साथ सैकड़ों सफाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपना दमखम कल दिखाया था। कल चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। इस दौरान अनेकों तस्वीरें सामने आई है। एक तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है जो आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव का काफिला जो है वो निकला है और उस काफिले में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जहां जहां से अखिलेश यादव का काफिला निकला वहां वहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। फरुखाबाद में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। नगर निकाय चुनाव प्रचार का अंतिम दिन वो यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार कल थम चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में ताकत झोंक दी है। नगर निकाय चुनाव में बस अब एक ही दिन का समय बचा है। इसे देखते हुए कोई भी प्रत्याशी बिल्कुल भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। खासतौर पर बीजेपी जमीनी स्तर पर बैटिंग करने में लगी है। यहां फरुखाबाद पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता की माता जी सुषमा गुप्ता के पक्ष में रोड शो कर वोट मांगे। रोड शो के दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, तमाम नेता शामिल रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी जनसभा और रोड शो का कल अंतिम दिन था। शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम गया। वो जो शोर था वो थम गया। चुनावी जनसभाओं का आखिरी दिन होने के चलते सभी प्रत्याशियों ने आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई भी प्रत्याशी चुनावी जंग में पीछे रहना नहीं चाहता था और चुनावी प्रचार करने में पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए थे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फरुखाबाद पहुंचकर रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। फरुखाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कल अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए हैं। एड़ी चोटी का जोर प्रचार प्रसार में लगाया गया है। कोई भी इस चुनावी जंग में पीछे नहीं रहना चाहता था। इसी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
सभी पार्षदों के साथ आ रही है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। सर बजरंग दल सभी जिलों में हम गए हैं, हर जगह बीजेपी ही बीजेपी। सर बजरंग दल पर नहीं, बजरंग दल पर रोक लगाने कांग्रेस बात कर रही है, ये दुखद है और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मंगल का दिन है और जिस ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कई वर्षों तक इन्होंने दशकों तक टेंट में रखा, आज हमारे आईजी पर इन्होंने प्रश्न उठाया है। चिलकाना थाना क्षेत्र के पठेड़ में जमीन के मामले में दर्शनलाल सैनी नाम के व्यक्ति के घर पहुंची पुलिस पर महिलाओं सहित घर के कुछ लोगों के साथ अभद्रता करने का आरोप है। सैनी समाज में भारी रोष है। आपको बता दें कि बीती 5 तारीख को थाना चिलकाना क्षेत्र के पठेड़ी चौकी पर तैनात एक दारोगा पर लंबे समय से चली आ रही जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष का कब्जा कराने का आरोप के चलते घर में घुसकर बिना महिला पुलिसकर्मियों सहित महिलाओं के साथ बदतमीजी अभद्रता करने का फिर आरोप लगा है, जिसमें सैनी समाज के लोगों ने SSP कार्यालय पहुंचकर अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सैनी समाज में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो सहारनपुर का एक पूरा मामला है, जमीनी विवाद चल रहा था, इसी विवाद में दारोगा जो है बिना महिला पुलिसकर्मी के पहुंच गए और आरोप लग रहा है कि दारोगा जी ने जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उनके साथ बदसलूकी की है, अभद्रता की है। फिलहाल अगर सैनी समाज की बात की जाए तो सैनी समाज में खासा रोष नजर आ रहा है। प्रगतिशील सैनिक सभा सहारनपुर, थाना चिलकाना में गांव पड़ता है गोर्धनपुर ढुलानी, पुलिस चौकी पठेड़, गोर्धनपुर ढुलानी के अति सम्मानित परिवार के हम सैनी समाज के श्री दर्शनलाल सैनी, जो प्रगतिशील सैनिक सभा के ब्लॉक सरसावा के अध्यक्ष भी हैं, दिनांक 5/5/2023 को पठेड़ पुलिस चौकी के इंचार्ज धीर सिंह दरोगा जी बिना किसी महिला कांस्टेबल के सीधे जबरदस्ती दर्शनलाल सैनी के घर में घुसते हैं और उनके साथ और उनकी धर्मपत्नी के साथ अभद्र व्यवहार के साथ साथ मारपीट करते हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मथुरा में फर्जी शिक्षक भर्ती के लिए बदनाम मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग का अब एक और नया कारनामा सामने आ गया है। विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले बच्चों के निःशुल्क एडमिशन में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। RTI के विद्यालयों की सूची में फर्जी यूडाइस का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। जानकारी मिली है कि ताजा मामला कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की मसानी ब्रांच का है, जहां RTI की सूची में एक स्कूल के गलत एड्रेस और यूडाइस के जरिए 6 स्कूल दर्शा दिए गए हैं। इस मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल यदुवंशी ने CDO के यहां शिकायत भी की और बताया कि हमारे स्कूल के नाम को कई जगह दर्शाया गया और यह गलत है, जबकि जो योजना है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की जाने की बात कह दी है और संज्ञान से इनकार किया है। तब RTI के फर्जीवाड़े का मामला जिलाधिकारी पुलकित खरे के पास पहुंचा, उन्होंने पूरे मामले की जांच की है और साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि जिस तरह की योजना है उसी तरह से बच्चों को लाभ दिलाया जाएगा। अब देखना होगा कि ये विभाग जो है ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है या गलती से हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, RTI एक उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा एक प्रकल्प है, जिसके तहत जो बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं, जिनका किसी भी विद्यालय में आज तक एडमिशन नहीं हो पाया है और जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, उन बच्चों को किसी भी विद्यालय जो उनके एरिया में आते हैं या उनके पॉकेट में आते हैं, वहाँ पर बच्चों को फ्री पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये बात आपने मेरे संज्ञान में लाई है, इसकी जाँच करा ली जाएगी आपने जो कहा है, और ये देखा जाएगा कि योजना के हिसाब से ही एडमिशन। हाँ, मामला संज्ञान में आया है, इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही हैं, बच्चे हमारे जो है इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसके लिए मैं जांच करा रहा हूँ और इसको जहाँ से भी जैसे भी जो है इसमें करेक्शन कराया जा सकता है वो उसमें करेक्शन कराया जाएगा। हरदोई जिले में कई स्थानों पर ताबड़तोड़ मारपीट की गई है। अब बेनीगंज के मुख्य चौराहों पर जमकर मारपीट में
एक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। बेनीगंज के मुराद टोला निवासी साइकिल सवार, बेनीगंज के कुर्सी गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार की आपस में मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। इससे पहले पाली और कछौना में भी पिटाई के लाइव वीडियो सामने आए थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है और इसी लाइव वीडियो के आधार पर पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। हरदोई का एक पूरा मामला है जहां पर इन दिनों कई जगहों से ताबड़तोड़ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। अगर बेनीगंज की बात करें तो ये नया मामला सामने आया है जहां पर मुख्य चौराहों पर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक को गंभीर चोट आई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दो मोटरसाइकिल सवार थे और किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर मारपीट पे दोनों उतारू हो गए। फिरोजाबाद में यमुना किनारे एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के गले में फंदा लगा था और उसके दोनों पैर भी बंधे पाए गए हैं। सुबह खेत पर आए किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र की है जहां यमुना किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव के गले में फंदा लगा है और उसके दोनों पैर भी बंधे थे। ये देख खेत पर आए किसान रामनाथ वर्मा ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन है। फिलहाल पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। आज सुबह थाना टुंडला पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रुधो मुस्तकिल पर यमुना किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ जिसका जो है पैर बंधा हुआ था, गर्दन में भी फंदा लगा हुआ था। खबर गाजीपुर से जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अंगद राय पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने अंगद राय की 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने अंगद राय की 2 प्रॉपर्टी सीज कर दी है। पुलिस ने भावरकुल थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में मकान कुर्क किया है, जबकि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जगजीवनपुर गांव में अंगद राय की पत्नी के नाम मकान कुर्क किया। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 141 के तहत ये कार्रवाई की है। फिलहाल अंगद राय वर्तमान में बिहार की जेल में बंद है। तो पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। जो भी गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में गाजीपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने अंगद राय की 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। जो उसकी पत्नी के नाम भी मकान बने हुए थे, उनकी भी कुर्की कर दी गई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का गुर्गा है अंगद राय, फिलहाल बिहार की जेल में बंद है। सर, भावरकोल थाना क्षेत्र के अंगद राय नामक व्यक्ति की सारी संपत्ति कुर्क की गई है, क्या सर पूरा मामला? ये एक बदमाश है अंगद राय, जो IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहाँ, और खुद भी ये आजीवन कारावास का सजायाबी है। वर्तमान में भी बिहार जेल में बंद है और इस समय यहाँ पे भी ये जनपद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था। और इस पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत थे, उसी में इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बजरंग दल का देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण की श्रृंखला में स्थानीय बजरंग दल द्वारा श्री हनुमान मंदिर देहरादून चौक पर कुमती निवार समिति के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमत शक्ति का व्यापक जन जागरण कर कांग्रेस सहित आतंकियों के पैरोकार, अन्य संगठनों और देश विरोधी हिंदू द्रोही मानसिकता की सद्बुद्धि के लिए भगवान बजरंगबली का आह्वान किया गया। इस मौके पर प्रांत कार्याध्यक्ष जयपाल सिंह ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सहित उनके राज्यों में कांग्रेसी और कुछ अन्य हिंदू द्रोही नेताओं द्वारा बजरंग दल को प्रतिबंधित करने और इस देशभक्त संगठन की तुलना PFI जैसे देशद्रोही आतंकी हिंसक संगठन से करना बहुत ही अपमानजनक है। हिंदू समाज निश्चित रूप से इस तरह के अपमान का लोकतांत्रिक सबक सिखाएगा। विभागाध्यक्ष शिव कुमार गौर ने कहा कि इस नारे
इसके बाद नेताओं को क्या नहीं दिखता है कि बजरंग दल देश में भर में गौरक्षा, कन्या रक्षा, रक्तदान, मठ मंदिर, धर्म रक्षा के साथ धर्मांतरण रोकने जैसे अनेक प्रकार के सेवा कार्य में लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज तथा बजरंग बली के भक्तों के अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्र एवं धर्म विरोधी शक्तियों को परास्त करने का पुरजोर प्रयास जारी रहेगा। झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई है। चाहे नई बस्ती का कब्रिस्तान हो और कहीं का कब्रिस्तान हो, भूमाफियाओं ने हर जगह कब्जा कर कब्रिस्तान की जमीनों को बेच डाला है। इसी के चलते मोहल्ला गांधीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता अपने परिजनों के साथ कब्रिस्तान में बच्चे को दफनाने के लिए गए। वहीं पर मौजूदा भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए कब्र खोदने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट हो गई। आपको बता दें कि मोहल्ला गांधीगंज निवासी शाहिद ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसका इलाज झांसी में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे के शव को लेकर अपने घर आया और परिजनों साथ उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान गया। तभी मौजूदा वहां पर पहले से लोगों ने कब्र खोदने से मना कर दिया, जिससे वहां दोनों पक्ष में गाली गलौज हुई, मारपीट हो गई, जिससे कई लोग चोटिल हुए हैं। दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, प्रार्थना पत्र दिए हैं। कोतवाली पुलिस मामले की सच्चाई जानने की जांच में जुटी हुई है। तो झांसी की तस्वीरें आपको बता दें कि मऊरानीपुर में भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाई है। दरअसल कब्र खोदने से दबंगों ने मना कर दिया है। कब्रिस्तान के जमीन पर दबंग लगातार कब्जा जमाए हुए हैं, जिसको लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, क्योंकि दोनों ही तरफ से तहरीर दी गई है। हम यहाँ सिर से आए, अपनी मोड़ी को लेके खत्म हो गई थी, इन्होंने मट्टी नहीं लगन दी, वो मारा है सब लोगों को। जेदन नफीस के भतीजे हैं, नफीस के भतीजे हैं कोई दो तीन जने। चका थाने को कभी फोन किया था पहले, तो थाने वाले आए नहीं है। घटना ये हुई सर, बच्ची जो खत्म हो गई थी, बच्ची की मिट्टी लेके हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे हैं। कब्रिस्तान में जो है बच्ची को जैसे दफनने के लिए कहा है, तो बगल में जो कब्रिस्तान की जगह पे आधे जो है कब्जा करे हुए थे लोग, और बच्ची की जो है कब्र नहीं खोदने दे रहे थे। और फिर इसके बाद कब्र नहीं खोदने पर हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई कब्र तो खोलने दो, बच्ची को दफनाना है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान भाजपा समर्थक और सपा समर्थक आमने सामने आ गए। जुलूस के बीच में आने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। भाजपा की रैली में शामिल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बीच बचाव करना पड़ा। समाजवादी पार्टी से आर्यनगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की है, और अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर रोड शो को ब्लॉक करने की कोशिश की है। उन्होंने इसको भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी बताया। वही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, दोनों जुलूस अलग अलग निकाले गए थे। इस मामले में सवाल उठता है कि अगर दोनों पार्टियों के लोगों का रूट अलग अलग था, तो दोनों पार्टियों का रोड शो आमने सामने कैसे? इस लापरवाही से एक राजनीतिक दलों का बवाल होते होते बचा है। वैधानिक पद पर है कि उनको सड़क पर नहीं आना चाहिए था। आज आपके भाई की ये ताकत है, कानपुर जनता का ये प्यार है कि ऐसे पदों पर रहने वालों को सड़क पर ले आई है और वो सपा का रूट बाधित कर रहे हैं। लेकिन कानपुर जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और भारी वोटों से हार के जाएंगे। गौरीगंज नगर पालिका के बीजेपी प्रत्याशी के पति पर गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई के ड्राइवर मोहम्मद शमीम सहित एक अन्य व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया है। विधायक के भाई के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बांके बिहारी सिंह के साथ अलग अलग स्थानों पर मारपीट करते हुए ही जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होने से नाराज है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज सपा विधायक राकेश प्रताप ने कोतवाली पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर गौरीगंज कोतवाली परिसर में ही धरने पर वो बैठ गए। साथ में अपने ही जानमाल का खतरा बता दिया और कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, तब तक मैं कोतवाली से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या मामला है, आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं आज? लगातार पिछले कई दिनों से मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जा रही है,
उनको पीटा जा रहा है और आज चार कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से दो को बुरी तरह से पीटा गया, एक को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी पे, और एक को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में जहां से 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं, और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ हैं, पुलिस सब करवा रही है। जलपुर की थाना बागवाला पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर गौकशी की घटना करने के उद्देश्य से ग्राम पवास और सियापुर के पास नहर की पटरी पर कुछ गौवंशों को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस टीम पर ग्राम सियापुर के पास नहर की पटरी की तरफ झाड़ियों में से निकलकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाना बागवाला में तैनात आरक्षी वीरपाल के दाहिने हाथ में कंधे में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 2 लोग धर दबोचे गए हैं, जिनको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। नौ दस दिन पूर्व ग्राम पवास और लखीपुर में हुई गौकशी की घटना में वांछित चल रहे 3 सातिर अपराधियों को पुलिस के द्वारा आज थाना बागवाला और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में पशुओं को नशे की हालत में ले आने के लिए इंजेक्शन व अवैध हथियार बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 2 अभियुक्त पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए हैं। रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के द्वारा कर्नाटक में पीएफआई से तुलना और अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को पूर्णता सरकार बनाने पर प्रतिबंध किए जाने को लेकर विरोध किया गया। वहीं आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय आवाहन पर रायबरेली में रेलवे स्टेशन मंदिर परिसर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही बजरंग बली से विनती की गई कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करे। मंदिर परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इसको लेकर पाठ किया गया। बजरंग दल के विभाग संयोजक रमाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि हमारा संगठन धार्मिक और सामाजिक संगठन है, जिसका कार्य सेवा सुरक्षा और संस्कार है। इसकी तुलना पीएफआई से कर कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। बजरंग दल के जिला संयोजक पंकज मिश्रा ने कहा कि हनुमान जी शत्रुओं के विनाशक है और ऐसी मानसिकता रखने वालों का राजनीतिक विनाश निकट है। आज 9 मई को हमारे पूरे भारत देश में बजरंग दल ने, कांग्रेस ने जो कर्नाटक में बजरंग दल के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया है, उसी के विरोध में हम लोग पूरे भारत देश में आज 9 मई को हनुमान चालीसा द्वारा कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। और ये कांग्रेस ने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। बजरंग दल जो सेवा संस्कार के नाम से जाना जाता है। मेरा परिचय, मैं विवेक सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज हम सभी यहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा कर्नाटका में पीएफआई से तुलना बजरंग दल की गई है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता जो है पीएफआई से तुलना कर रहे हो, जो AK-47 लेकर के पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का सागर ठाकुर अलग अलग असलाह लेकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करता है। बता दें कि यह फोटो कई दिनों से वायरल हो रही है, उसके बाद भी अब तक इसके खिलाफ बबीना पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त असलाह का प्रदर्शन करने वालों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।